बदसूरत गरीब स्कूल स्टूडेंट। एक बहुत ही गरीब परिवार में सोनाली का जन्म हुआ। सोनाली दिखने में बहुत ही काली थी, पर वो अपने माँ बाबा की लाडली थी। सोनाली के पिता मोहनलाल और उसकी माँ अनुराधा दिन रात मेहनत करती ताकि वो अपनी बेटी को अच्छे से पढ़ा लिखा कर कोई बड़ा अफसर बना सके, ताकि उनकी बेटी को उनकी तरह दिन भर मजदूरी ना करना पड़े। एक दिन अनुराधा अपने पति से कहती है, अजी मैं ये सोच रही थी आम का सीजन है, क्यों ना मैं इन आम का अचार बनाकर बेचना शुरू कर दूं? आप ही तो कहते हैं कि मैं बहुत अच्छा अचार बना लेती हूँ। वैसे भी अब अपनी बिटिया 8वीं में चली गई है और फिर दाखिले में तो खर्चा आएगा ना। चाहे कुछ भी हो जाए, अपनी सोनाली बिटिया की पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। ख्याल तो बहुत अच्छा है अनुराधा, पर तुम्हारे कलाई में तो मोच है ना, फिर तुम अचार के लिए मसाला कैसे पीसोगी? अजी ये छोटी मोटी चोटें तो लगती रहती है, कल को अपनी सोनाली बिटिया पढ़ लिख कर बड़ी अफसर बन जाएगी, तब थोड़ी ना मुझे ये सब करना पड़ेगा, फिर तो ठाट से रानी बनकर रहूंगी मैं। अनुराधा ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, पर वो बहुत ही समझदार थी। जहाँ हर कोई सोनाली के रंग रूप को लेकर उसका मजाक उड़ाते, वहीं उसकी माँ सोनाली को हौसला देती। वह अच्छे से जानती थी कि एक दिन उसकी बेटी अपने रंग रूप से नहीं बल्कि अपनी काबिलियत से अपनी पहचान बनाएगी और अपने गांव का नाम रोशन करेगी। आज जो लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं, कल को उस पर गर्व करेंगे। इधर सोनाली स्कूल से झूमते हुए घर आ रही थी, तभी गांव की बिमला काकी उसे खुशी से नाचते हुए देख लेती है और चिढ़कर बोलती है, अरे ओ काली, ये नाच गाना तेरा कोई काम नहीं आने वाला है। एक तो तेरी शक्ल डरावनी चुड़ैल सी है, ऊपर से पता नहीं तेरी माँ को क्या फितूर चढ़ा है कि तुझे पढ़ा लिखा कर कलेक्ट्री कराने का, और इधर बेटी को देखो नाच गाने में लगी हुई है, और ये कोई टाइम है तेरे घर जाने का? शाम होने को है, कहीं तेरी माँ चोरी छुपे तुझे झाड़ू पोछे का काम तो नहीं दिलवा दी है? नहीं नहीं काकी, वो आज स्कूल में एक्स्ट्रा क्लासेस थी इसलिए देर हो गई। अरे तेरी माँ के अगल पे तो जैसे मिट्टी पड़ गई है, जो जवान बेटी को पूरे दिन घर से दूर धूप में लड़कों की तरह कपड़े पहनाकर पढ़ने के लिए भेजती है। अरे क्या ही कर लेगी तू पढ़ लिख कर, करना तो तुझे चूल्हा चौका ही है। मेरी बेटी राधा को ही देख ले, घर का चूल्हा चौका सब कर लेती है। तू तो समझदार है ना, मेरी मान तो घर रहकर अपने चेहरे पर हल्दी और बेसन का लेप लगाया कर, शायद तेरा ये काला सा चेहरा थोड़ा साफ हो जाए और जल्दी से तेरे हाथ पीले हो जाए। इतना बोलकर विमला काकी वहाँ से चली जाती है और सोनाली उदास मन से घर आ जाती है और अपनी माँ से बोलती, माँ तू हमेशा मुझे पढ़ने को ही क्यों कहती है? तू मेरे गोरा होने के लिए कुछ भी नहीं करती, रोज स्कूल में सब मुझे काली माई कहकर चिढ़ाते हैं। कोई मेरी डांस का मजाक उड़ाता है तो कोई पढ़ाई का। आज पता है स्कूल में क्या हुआ? ये लो आ गई काली माई। मैंने तो पहले ही कहा था ये एक नंबर की ढीठ है ढीठ। क्या हुआ, तुम सब मुझे ऐसे क्यों देख रही हो और ये सब क्या बोल रही हो? तुझे हर रोज हम सब इतना परेशान करते हैं, और कल तो हम सब ने तुम्हारा कुछ ज्यादा ही मजाक उड़ा दिया था, तो आज हम सबको लग रहा था कि तुम आज स्कूल नहीं आएगी, पर मुझे अच्छे से पता था कि तुम जरूर आओगी, क्योंकि तुम्हारे अंदर तो सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज ही नहीं है, और इसी बात पर मेरी सबसे शर्त लगी थी, और देखो मैं जीत गई। ऐसा होता है माँ मेरे साथ स्कूल में, मैं अब से स्कूल नहीं जाऊंगी। अच्छा तुम्हें स्कूल नहीं जाना है ना, तो मत जाना, अब रोना बंद कर और मेरे साथ अचार बनाने में मेरी मदद कर, फिर मुझे बेचने भी जाना है। दोनों माँ बेटी मिलकर अचार बनाने लगती है और उसे अच्छे से सुखाकर अगले दिन उसे बेचने बाजार में जाती है। इतना सारा काम करके सोनाली बहुत ही ज्यादा थक जाती है। माँ मैं तो बहुत ज्यादा थक गई हूँ। इतना तो सहना ही पड़ेगा ना बेटा, अचार नहीं बेचेंगे तो पैसे कहाँ से आएंगे, चल बेचने चलते हैं। सोनाली अपनी माँ के साथ दिन भर गांव-गांव जाकर घूमती रहती है,
पर कोई आचार नहीं खरीदता। शाम को जब अनुराधा घर आ रही थी, तभी एक सेठानी अपनी बड़ी सी गाड़ी से जा रही होती है और अनुराधा को देखकर अपनी गाड़ी रोक देती है। अरे ओ अनुराधा, कैसी हो और ये अचार का बिजनेस कब से स्टार्ट कर दिया तुमने? वैसे अचार मुझे भी बहुत पसंद है। चल अब तू मिल ही गई है तो चलो मैं ही तेरी कमाई करा देती हूँ। चल अब 1 किलो अचार मुझे भी दे दे। सेठानी उसे अचार के पैसे देकर वहाँ से चली जाती है। यह सब देखकर सोनाली कहती है, माँ तुम दिन भर कितनी मेहनत करती हो और ये भी एक तुम्हारी तरह ही औरत है, पर कितने ठाट है इसके, ये तो बहुत पैसे वाली है और इसके पास तो बड़ी सी गाड़ी भी है। पर माँ ये सेठानी आपको कैसे जानती है? क्योंकि ये इस गांव की कलेक्टर साहिबा है और इसने इसके लिए कड़ी मेहनत से पढ़ाई की है। मैं और ये सेठानी एक साथ ही स्कूल में पढ़ा करते थे, पर मैं आगे ना पढ़ सकी और इसने कड़ी मेहनत से पढ़ाई की और अब देखो मेरी हालत। एक ये है, इसके पास सब कुछ है और एक मैं हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। अब बस फैसला तुझे करना है, तुझे सेठानी की तरह बनना है या फिर मेरी तरह अचार बेचने वाली अनुराधा बनना है। तभी सोनाली की स्कूल की एक लड़की मीनाक्षी छुपकर दोनों माँ बेटी की बातें सुन लेती है। सोनाली पढ़ाई में बहुत ही अच्छी थी, वह हमेशा फर्स्ट आती थी। सोनाली के स्कूल न आने से मीनाक्षी बहुत ही ज्यादा खुश थी, पर यह बात सुनकर वह डर जाती है और जानबूझकर सोनाली को टक्कर मारते हुए वहाँ से चली जाती है और सोनाली वहीं गिर जाती है। अनुराधा सोनाली को लेकर घर आती है और उसके हाथों की अच्छे से सिकाई करती है। बहुत गहरी मोच आई है, अब तो कुछ दिन घर पर ही आराम कर। नहीं माँ, ये छोटी मोटी रुकावटें तो रोज आएंगी, वैसे भी अब मेरा एग्जाम होने वाला है, मैं अब हर रोज स्कूल जाऊंगी और मन लगाकर पढ़ाई करूंगी। सोनाली अगले दिन स्कूल जाती है और फर्स्ट बेंच पर जाकर बैठ जाती है। तभी क्लास में एक नई टीचर आती है और सोनाली को देखकर कहती है, इतने मैले और फटे कपड़ों में, वो भी इतनी गंदी शक्ल के साथ तुम किसे पूछकर आगे बैठी हो? तुम्हें देखकर ही मेरे पढ़ाने का सारा मूड ही खराब हो गया। मनहूस कहीं की, जाओ और जाकर पीछे बैठो। पर टीचर, पीछे से मुझे कुछ दिखाई नहीं देता है, आखिर मैं पीछे से कैसे पढ़ूंगी? वो सब मैं नहीं जानती, बस तुम अब से पीछे बैठने की आदत डाल लो। मीनाक्षी अपने क्लास की सबसे सुंदर लड़की थी, उसे देखकर टीचर कहती है, मीनाक्षी मीनाक्षी बेटा तुम आगे आ जाओ बेटा, और अब से तुम हमेशा आगे बैठोगी, ठीक है बेटा? तभी क्लास में प्रिंसिपल मैम आती है और बोलती है, बच्चों हमारा स्कूल एक बहुत बड़े डांस कंपटीशन में हिस्सा लेने वाला है, इसमें शहर के बहुत बड़े बड़े स्कूल के बच्चे भाग ले रहे हैं, पर मैं चाहती हूँ कि इस कंपटीशन में हमारा स्कूल ही जीते और जो बच्चा इस बार यह ट्रॉफी जीतेगा उसकी पूरी पढ़ाई स्कूल फ्री में करवाएगी। ये कंपटीशन मुझे ही जीतना है, चाहे कुछ भी हो। हाँ मैम, मैं इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ। तुम चुप रहो, मीनाक्षी हमारे क्लास से उस कंपटीशन के लिए जाएगी। पर मैम आपको नहीं पता मुझे डांस का बहुत ही ज्यादा शौक है, मैम मेरा यकीन करिए मैं अपने स्कूल के लिए मेडल लाऊंगी। सोनाली गेट आउट ऑफ माई क्लास राइट नाउ। सोनाली रोते रोते क्लास से बाहर आ जाती है। अपने माँ बाबा का बोझ हल्का करने का एक ही मौका मिला था, पर ये भी हाथ से चला गया। आखिर कब तक मेरी माँ मुझे यूँ अपना पेट काट काट कर पढ़ाती रहेगी। सोनाली रोते हुए वहाँ से घर की तरफ जा रही थी, रोते रोते वह एक पेड़ के पास डांस करने लगती है। सब व्यर्थ है, आज मुझे पता चल गया कि अगर रंग सुंदर ना हो तो कितना भी कुछ कर लो कुछ नहीं होने वाला। तभी वहाँ से गुजर रही प्रिंसिपल मैम की नज़र सोनाली पर पड़ती है। मैम सोनाली को अपने पास बुलाती है और कहती है, ये तो हमारे स्कूल का यूनिफॉर्म है, इतनी अच्छी क्लासिक नृत्य, वाओ वेरी गुड बेटा, तुम कल ही अपने क्लास टीचर के साथ मुझसे मिलो। अगले दिन प्रिंसिपल क्लास टीचर के साथ सोनाली को अपने कैबिन में बुलाती है। आपके क्लास में इतनी होनहार बच्ची है, फिर भी आपने इसका नाम मुझे रिकमेंड नहीं किया। आपको जब बच्चों की परख ही नहीं है तो क्या कर रही है आप स्कूल में? हमारे स्कूल को आप जैसे टीचरों की कोई आवश्यकता नहीं है। नहीं नहीं मैम,
ऐसा मत कहिए, वो क्या है ना कि मैम मेरा नाम आपको देना चाहती थी, पर दो दिन पहले ही मेरे हाथों में मोच आ गई थी, जिस वजह से उन्होंने मेरा नाम आपको रिकमेंड नहीं किया। मोच में भी तुम इतना अच्छा डांस कर लेती हो, अमेजिंग। अब मुझे पक्का यकीन हो गया है कि ट्रॉफी तुम ही जीतोगी। ऑफिस से बाहर आकर नई टीचर सोनाली से कहती है, आई एम सॉरी बेटा, तुमने मेरी जॉब बचा ली, मैंने तुम्हारे साथ कितना गलत किया, फिर भी तुमने मेरी मदद की, तुम वाकई बहुत ही अच्छी हो। और हाँ, आज एक बात मेरी समझ में आ गई, सुंदरता रंग रूप से नहीं बल्कि दिल से होता है। अब देखना मैं कैसे तुम्हें इस कंपटीशन में जाने के लिए तैयार करती हूँ, ये ट्रॉफी तो तुम ही जीतोगी। उस दिन से टीचर सोनाली की बहुत मदद करती है, वह उसके डांस की प्रैक्टिस में भी उसकी खूब हेल्प करती है। कुछ ही दिनों में कंपटीशन वाला दिन आ जाता है, सोनाली उसमें भाग लेती है और जीत की ट्रॉफी अपने नाम करती है। उस दिन से सोनाली की जिंदगी ही बदल जाती है, सोनाली की स्कूल की सारी फीस माफ हो जाती है और स्कूल में जो बच्चे सोनाली के काले रंग का मजाक उड़ाते थे उन सबका शर्मिंदगी से सर नीचा हो जाता है। सोनाली पढ़ लिख कर एक बहुत ही बड़ी अफसर बनती है और आगे चलकर अपने गांव के विकास में बहुत ही अच्छे अच्छे काम करती है। अब तो हर तरफ सोनाली की तारीफ ही तारीफ होने लगती है। तो देखा दोस्तों आपने, लोग सुंदर सिर्फ सूरत से नहीं बल्कि अपने काबिलियत और मेहनत से होते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल जादुई टीपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलती हूँ ऐसे ही फिर किसी नई मजेदार जादुई कहानी के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।